हेलो नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई इन माय स्टाइल। मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ डालते हैं उनको ना डाल के हम नॉर्मल तरीके से एक अच्छे तरीके से क्विक तैयार करते हैं इसको। तो ये हमारा आधा किलो चिकन है, इस चिकन में हम डालेंगे हमारा एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, और क्वार्टर टीस्पून हमारा चाट मसाला रहेगा, आधा टीस्पून से कम और चौथा ज्यादा ये रहेगा हमारा हल्दी, और क्वार्टर टीस्पून जो है हमारा रहेगा ये गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हमारा रहेगा हाफ टी स्पून, नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आप, मैं नमक कम खाता हूँ तो मैं तो हाफ टी स्पून डालूंगा, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही डालूंगा क्योंकि चाट मसाला भी हमने डाला है। ये हो गया हमारा नमक, और इसमें अब लास्ट जो है वो जाएगा हमारा नींबू का रस, ये हम इसमें डाल देते हैं नींबू का रस, और बीज हम इसमें निकाल लेंगे। नींबू का रस जो है इसको एक ट्रिक ये है कि इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से ऐसे जब फोल्ड करके इसको ऐसे निकालेंगे तो इसका सारा रस निकल जाएगा, तो ये भी एक नया तरीका, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें तो नींबू का कुछ भी रस बचेगा नहीं। और ये बीज हमने निकाल लिए हैं, अभी हम इसमें मिलाएंगे हमारे ये घर की बनी हुई दही है जो आप देख सकते हैं, ये 2 टेबल स्पून है बड़े, तो इसको हम इसके अंदर मिला देते हैं। ये हमारा हो गया है दही, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको कर देते हैं मैरिनेट। थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके ये हो गया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी हम थोड़ा सा मिला देंगे इसमें, ये हमने मिला दिया इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसको कर देंगे इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेके आ रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंचे, रीच करें आप लोगों को, तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो नए जुड़े हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो भी अपने दोस्तों से हमें सपोर्ट करने के लिए कहें। तो हम इसी तरीके से नई नई डिश लेके आते रहेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब आपके सपोर्ट पर है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए हमें, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बना लें, नई नई डिशों के चक्कर में हम भी लगे पड़े हैं और आप लोगों को भी दिखाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया मैरिनेट, इसको आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद में जब हम इसको अगले स्टेज पे आएंगे फ्राई के लिए तो हम आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, तो हमारा जो है चिकन वो मैरिनेट हो गया है, आधा घंटा हो गया है, तो अब हम इसको फ्राई करने के लिए जाते हैं। तो हमने पैन चढ़ा दिया है, अब हम कर देते हैं गैस को ऑन, हमारा पैन हो जाए गरम, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो दोस्तों इस तरीके से आप चिकन बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्ट आएगा, इसमें हमने क्या कहते हैं ना तो बेसन मिलाया है, कुछ भी ऐसा मिलाया नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप इसको बहुत बढ़िया जूसी एकदम चिकन ये तैयार होगा। अभी आप देखना किस तरीके से हम इसको करते हैं जूसी। तो अब पैन हमारा हो जा रहा है गरम, हम इसमें डालते हैं ऑयल, और इसको एकदम डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, इसको मीडियम शैलो डीप जो भी आप कह सकते हैं उस तरीके से रहेगा। हमने डाला क्या कहते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, बस इसी ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा जब एकदम गर्म हो जाएगा, अभी हीट तेज है,
तो तेज हीट पे ही इसको हम क्या कहते हैं चेंज करेंगे इसका कलर भी। फिर उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसको हम एकदम जूसी बना देंगे। अभी देखते जाइए, अब तेल हमारा हो रहा है गरम, ये हो चुका है। अब हम डालते हैं इसमें हमारा चिकन, एक पीस हमारा चिकन जो है इसमें चला गया। हाँ कभी ऐसे ही रहने देना। इसको तेज आंच पे इसी तरीके से रहने देना जब तक इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए, 1 से 2 मिनट लगेगा। तो दोस्तों आप हमारा चैनल देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हम नई नई डिशें आपको बना के दिखाते रहें। हम ये सोचते हैं कि हमारा चैनल जो है वो ग्रो हो जाए, इसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट आपके हाथ में है। आप इसी तरीके से नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अब दोस्तों ये हमारा जो चिकन है, अब हम इसको एक बार इसका साइज जो है वो चेंज कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कलर इसका देख लीजिए चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को हम चेंज कर देंगे साइड से। अभी देखिए सब में कलर आ गया है। इसी तरीके से आप भी ट्राई करें, इसके बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा चिकन तैयार होता है। कोई झंझट नहीं है, ना कोई ज़्यादा तेल इसके अंदर आपको डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा तेल से फिर वो नुकसान करता है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप हेल्दी भी चिकन रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। तो ये देखिए हमने साइड चेंज कर दी है। अब इस साइड चेंज करने के बाद हम आँच को कर देंगे हीट को स्लो, ये हमने कर दिया है स्लो टू मीडियम, और इसको ढाँप देंगे। इसको ढाँक देंगे हम कम से कम कुछ नहीं 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद देखिएगा कैसे जूसी ये तैयार होता है। ये चिकन फ्राई इतना अच्छा रहेगा कि आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद में। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया है तैयार, तो हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं, आप देख लीजिए। अब हम इसको आपको दिखाते हैं, देखिए कैसा जूसी होता हुआ है। तो बस चिकन जो है ये एकदम गल चुका है, आप देखेंगे तो ये देखें। तो इसको हम डिस आउट करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कैसा दिखता है। हेलो दोस्तों, तो अब हमने फाइनल इसको कर दिया है डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना जूसी हुआ है। आप इसको देखेंगे सारी के सारा एकदम से जूसी है ये चिकन। तो इस तरीके से आप चिकन फ्राई करेंगे तो आपको खाने में अच्छा लगेगा और बहुत स्वाद लगेगा, टेस्ट लगेगा। तो आप हमें क्या कहते हैं दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हम आगे भी और वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग, नए वीडियो और नए खाने के साथ में। तब तक के लिए बाय।